सर दर्द यानी हेडेक एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सर दर्द आखिर क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? अगर आपने कभी नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। वैसे तो हेडेक ब्रेन से रिलेटेड कुछ कारणों की वजह से भी होता है, जैसे कि मेनिनजाइटिस, स्ट्रोक, माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक वगैरह। ये सब सीरियस कंडीशन होता है जिसमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराने की जरूरत होती है, लेकिन ये उतना कॉमन नहीं होता है। तो आइए जानते हैं सर दर्द के कुछ कॉमन कारणों के बारे में। सबसे पहला है टेंशन यानी तनाव के वजह से सर दर्द। दूसरा बहुत ही कॉमन काउज है साइनोसाइटिस। थर्ड है डिहाइड्रेशन, अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी आपको सर दर्द हो सकता है। चौथा है आंखों का पावर। नेक्स्ट है हाई बीपी, बीपी का बढ़ना भी सर दर्द का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा नींद कम लेने से, नेक में कॉम्प्रेशन की वजह से, पुअर पोस्चर की वजह से और बहुत देर तक भूखे रहने से भी सर दर्द हो सकता है। इन सब में पैरासिटामोल की एक टेबलेट खाने से सर दर्द में आराम मिल जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।